बस जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था और गए क्यों नहीं गए? और कोई उल्टा रास्ता था या कोई और रास्ता था? पहली बात तो जाहिर है बिकॉज ज़्यादातर लोग जो हैं पढ़े लिखे लोग, उनके पास ज़िंदगी में और बेहतर काम करने के लिए होते हैं, सो दे डोंट फॉलो के सियासतदान रोज़ बक बक क्या कर रहे हैं। सो अकबर जैदी जिस खुदकुशी का जिक्र कर रहे थे वो 2014 की इमरान खान की स्टेटमेंट थी, द स्टेटमेंट व्हाट वी हैड फॉट द इलेक्शन ऑन। और वो एक पीटीआई में, तो वो सोशल मीडिया पे बच्चे वॉलंटियर्स बैठे होते हैं, वो 5 मिनट में कोई चीज़ बन जाती है। उन्होंने एक वीडियो भी बना दिया था ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स, टेलीविजन प्रोग्राम्स लीडिंग अप टू द इलेक्शंस एंड आफ्टर द इलेक्शन, कि मैं क्या कहता था IMF प्रोग्राम के बारे में। एग्जैक्ट वो तो जुमले मुझे रट गए थे, बार बार वही रिपीट करते थे, जितने बुरे हालात पैदा हो गए बेल आउट नागुजीर है, सिर्फ सवाल ये है बेल आउट IMF करेगा या कोई और करेगा, और कोई ऑप्शन बशमूल IMF के, ये जुमला मुझे रट चुका है, कोई ऑप्शन बशमूल IMF के रूल आउट नहीं किया जा सकता। तो हम तो ये इलेक्शन लड़ के आए थे, हमें तो इस पे वोट मिला था और इस वक्त हम, इसलिए हमारे पास ये पॉलिटिकल कैपिटल मौजूद था कि हम IMF के साथ पहले दिन साइन कर देते। जो आपने दोनों से सुना, एंड ऑब्वियसली बोथ ऑफ देम अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स फार बेटर देन आई डू, दिस वॉज द जनरल कंसेंसस ऑफ ऑलमोस्ट एवरीबडी के IMF के पास जाना नागुजीर। शायद इसलिए कि हमेशा हम IMF के पास जाते रहे हैं और कभी भी वो वाला बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हमने नहीं फॉलो किया, फेस किया जो इस दफा किया था। तो हम कर क्या रहे थे? हम एग्जैक्टली वही कर रहे थे जो हम कह के आए थे जिस पर हमने इलेक्शन लड़ा था। हमने कहा हम सारे ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे। इलेक्शन के ओथ लेने के 10 दिन के बाद मेरी फोन कॉल गई जिहाद अजूर को, जो हमारे रीजनल हेड हैं, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं लेबनन की, जो IMF के हमसे डील करते हैं। जिहाद से मैंने कहा जी मैं चाहता हूँ आप अपनी टीम भेजें, वी हैव नॉट येट टेकन अ फाइनल डिसीजन कि हम IMF से बोरो करना चाहते ये नहीं करना चाहते, हम मेंबर कंट्री हैं, हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, हम आपकी हेल्प लेना चाहते हैं, हमें आपसे मशवरा चाहिए। उन्होंने कहा जी बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, टीम भेज दें। उन्होंने कहा 3 हफ्ते लगेंगे, मैंने कहा यार जल्दी नहीं भेज सकते। उन्होंने कहा आई विल ट्राई एंड डू इट। सो एज सून एज दे कुड एंड विद इन अ मंथ ऑफ द PTI गवर्नमेंट बीइंग फॉर्मड, IMF की टीम पाकिस्तान आ चुकी थी। उन्होंने इवैल्यूएशन किया, साथ हम अपना होमवर्क करते चले जा रहे हैं। और हमने वो इवैल्यूएशन करने के बाद हमने अक्टूबर की, इन्होंने शायद, अब मुझे डेट्स हो सकता है एक दो दिन गलत हो जाए, मेरे ख्याल में 8 अक्टूबर को शायद उन्होंने रिपोर्ट दी। जिस दिन भी उन्होंने रिपोर्ट दी उसके 2 दिन के बाद हमारी मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर के साथ और ये अनाउंस हो गया कि हम IMF को अप्रोच कर रहे हैं। मैंने फ्लाइट पकड़ी, बाली चला गया, IMF आंटी क्रिस्टीन लगार्ड के पास हम पहुंच गए और उनके साथ हमने कहा कि जी वी वॉन्ट टू गेट इन टू अ प्रोग्राम। वॉट वॉज डिफरेंट अबाउट दिस प्रोग्राम? एंड हम ये एज मोस्ट पीपल थिंक इडियट्स थे, हमें पता ही नहीं इकोनॉमिक्स क्या होती है, हमें नंबर जोड़ने नहीं आते, इस वजह से हम वहां पे रुके हुए थे या कोई और वजह? ये सियासी कंपल्शन थी, इमरान खान की नारेबाजी थी जिसकी वजह से हम हॉस्टेज हो गए थे और हम अपने लिए ऑप्शंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, या हम अपने लिए ऑप्शंस इसलिए क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा होने जा रहा था कि आप एक IMF प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का फॉरेन मिनिस्टर खड़ा होकर दुनिया के सामने ऐलान करता है कि हम IMF का पैसा नहीं इस्तेमाल होने देंगे चाइनीज डेट के बेलआउट के लिए। अगर उस स्टेटमेंट के बाद आप अपने लिए ऑप्शंस क्रिएट करने की कोशिश ना करते तो दिस वुड हैव बीन एब्सोल्यूट रेकलेसनेस एंड इनएक्सपीरियंस एंड इमेच्योरिटी और यह नालायक तरीन बिहेवियर होता। So, इसलिए हमने कहा हमें ऑप्शंस क्रिएट करने की जरूरत है। एंड आई टोल्ड द प्राइम मिनिस्टर, मैंने कहा ये जो आपने स्टेटमेंट दे दिया ना कि मैं 100 दिन ट्रैवल नहीं करूंगा, ये अगर आप ऑप्शंस क्रिएट करना चाहते हैं तो ये नहीं हो सकता। यू हैव टू गेट ऑन अ प्लेन एंड यू हैव टू गो टू सऊदी अरेबिया एंड यू हैव टू गो टू UAE एंड यू हैव टू गो टू चाइना। सो हमने एक तरफ अपने लिए टाइम क्रिएट करने के लिए, ऑप्शंस क्रिएट करने के लिए, निगोशिएटिंग स्पेस क्रिएट करने के लिए हमने एडिशनल फंडिंग अरेंज करने की कोशिश की, इन विच इमरान खान, नॉट मी, इमरान खान वाज इनक्रेडिबली सक्सेसफुल एंड वी वर एबल टू रेज सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी। साथ ही हमारी IMF की डिस्कशन चल रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं अकबर के सख्त तरीन कंडीशनैलिटीज हैं इस प्रोग्राम के अंदर। वो क्यों है सख्त तरीन कंडीशनैलिटीज? इसलिए कि हमने 10 महीने फैसला नहीं किया था। इससे कहीं ज्यादा सख्त थी कंडीशनैलिटीज जिस दिन अक्टूबर में वो हमारे पास आए पहली दफा, फार फार मोर स्ट्रिंजेंट। चलो मैं एक चीज आपको पब्लिकली बता देता हूं, प्रायर एक्शन 150 बिप्स, डिस्काउंट रेट इंक्रीज, यू नो व्हाट वाज द डिमांड, 600 बेसिस पॉइंट्स प्रायर एक्शन।
600 basis point. I don't even want to tell you what they thought should actually happen to the rupee. You know what was their projection? Ke hamari prescription agar aap lenge to kitni afrate zar hogi is saal? 19%. The discount rate was supposed to go to 21-22%. मैं आपको चले मैं नहीं बताना बताता भी मैं कुछ तो होल्ड बैक कर लूं बिकॉज़ आई हैव कमिटेड टू द नेशन कि जिस दिन हुकूमत जो है वो आईएमएफ का एग्रीमेंट जो है वो अनाउंस कर देगी और वो आई गेस जिस दिन बोर्ड अप्रूवल होगा उसके बाद करेंगे तो उसके बाद आई विल टेल यू एग्जैक्टली जो पांच बड़ी चीजें थी पॉलिसी रेट पे क्या वो मांग रहे थे पहले दिन एक्सचेंज रेट की मैनेजमेंट के लिए क्या कह रहे थे बिजली पे क्या कह रहे थे गैस पे क्या कह रहे थे फिस्कल पे क्या कह रहे थे आई विल शेयर ऑल ऑफ दोस डिटेल्स विद यू ट्रस्ट मी फॉर द टाइमिंग यू हैव टू टेक माय वर्ड फॉर इट मैंने आपको एक दो चीजें बता दी हैं कि what has been signed is far less stringent than what was signed at that time. Secondly, what were we doing? Were we just simply saying no to IMF? Or were we also doing something else? Were we just paralyzed? क्यों होता है? हम IMF के पास जाते क्यों हैं? Bengali साहब ने भी कहा कि दो चीजें होती हैं बुनियादी. I suspect that the two he's talking about is the current account deficit and the fiscal deficit. But fiscal भी जो है वो indirectly impact करता है because जितना fiscal बढ़ेगा उतना ही आपका current impact. So directly जो चीज आपको affect करती है that is your foreign currency reserves which is a function of what's happening on your current account deficit. जिस वक्त और आपकी ability क्या है आपके जो reserves पड़े हुए हैं उस reserves के अंदर मुझे कुछ 7 minutes में बता देना है. 6 हो गए ना ओके 4 मोर मिनट्स टू गो सो आपके पास जो फॉरेन जो रिजर्व्स पड़े हुए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास उससे आपने ये करंट अकाउंट डेफिसिट फाइनेंस करना है जिस वक्त इसहाक डार साहब वजीर खजाना बने सेकेंड टाइम थर्ड टाइम अराउंड बट जो 2013 में जब उनकी हुकूमत आई तो उनके पास 7.5 माह से जरा ज्यादा रिजर्व थे टू फाइनेंस द करंट अकाउंट डेफिसिट 7.5 माह का करंट अकाउंट डेफिसिट फाइनेंस हो सकता था जो नेट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिजर्व्स थे यानी ग्रॉस रिजर्व स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के माइनस द फॉरवर्ड्स एंड स्वैप्स दैट दे हैड रन 7.5 माह का और वो आईएमएफ प्रोग्राम में चले गए थे जिस दिन मैंने ओथ लिया है मेरे पास 20 दिन के करंट अकाउंट के रिजर्व थे 20 दिन के ठीक है जी हमने क्या किया जो हमने एक्शंस लिए उसका नतीजा क्या निकला एंड व्हाई डिड इन द एंड आईएमएफ व्हाई डिड दे टर्न अराउंड एंड आई एम क्लेमिंग कि उनके ज्यादा स्ट्रिंजेंट थे वो कम क्यों हुए द 3 मंथ्स बिफोर आई बिकेम फाइनेंस मिनिस्टर द एवरेज करंट अकाउंट डेफिसिट दैट पाकिस्तान वॉज रनिंग वॉज 2.036 बिलियन डॉलर ए मंथ एन एनुअलाइज पेस ऑफ 24.5 बिलियन डॉलर फॉर द ईयर The last 3 months of my being finance minister, the average current account deficit was $636 million, an annualized pace of about $7.5 billion. From $24.5 billion ki run rate, we had brought it down to a run rate of $7.5 billion. And now I'll tell you, just to wind up and then I'll leave the rest. नवंबर में मेरी बड़ी एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हो रही थी हैरल्ड फिंगर जो आईएमएफ का मिशन चीफ था उस वक्त वो बदल गया अर्नेस्ट रीगो आ गए हैरल्ड फिंगर जो हैं उन्होंने मेरी तकरीर सुनी मैंने कहा मैं पाकिस्तान के अवाम पहले ही गरीब हैं ये नहीं वजन डालूंगा बला 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 जो हुई तकरीर में जो दिल की मेरी जो बात थी वो मैंने तकरीर कर दी नॉन इकोनॉमिक मैंने तकरीर की जज्बाती तकरीर बिकॉज आई एम स्पीकिंग फ्रॉम द हार्ट तो उसने वो सुनता रहा उसने कहा ये मिनिस्टर साहब ये बड़ी आपने खूबसूरत बातें की हैं आपकी जेब में पैसे हो ना इन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए तो जरूर कर लेना सो इन फेब्रुअरी वी वर ऑन अ कॉल बिकॉज हमारी निगोशिएशंस कभी भी ब्रेक ऑफ नहीं हुई थी अभी हमारी बातचीत चल रही थी सो इन फेब्रुअरी ऑन अ कॉल आई सेड हैरल्ड यू वुड रिमेंबर द कॉन्वर्सेशन इन नवंबर यू वुड आस्क मी टू शो द मनी हैरल्ड आई हैव शोन यू द मनी नाउ एंड हैरल्ड फिंगर एग्रीड He said the economy has responded far quicker to the measures that you have taken than we have.